कोई जमात बड़ी नहीं है। आज जो इलेक्शन है वो पब्लिक का इलेक्शन है। आज पब्लिक को ऐसा नुमाइंदा लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की भी हिफाजत करे, वापस दिलवाए, और दूसरा एक गुड गवर्नेंस के बारे में, यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में, जो यहाँ पे इस वक्त मुसीबतें हैं उनसे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से हमको नजात दिलाएं और एक पीपल्स रूल बहाल करें। सो आज का और जो असेंबली का ये इलेक्शन होगा, ये हम यहाँ की हमारी गयूर अवाम अपने लिए और अपनी आइंदा मुस्तकबिल के लिए इलेक्शन, ये आज है, ये बहुत ही हिस्टोरिक इलेक्शन है। ये कोई सियासी जमात वो है तो बड़ी है छोटी है कुछ नहीं है, आज पब्लिक फैसला करेगी कि मुझे किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के अपनी जो हमारी जायज डिमांड्स हैं उनको असेंबली में उठाए। और उसके अलावा सबसे बड़ी डिमांड जो हमको यहाँ से आज फैसला करके इन सबको भेजना पड़ेगा, हम सबको जाना पड़ेगा, वो ये कि अवामी अदालत ने 5 अगस्त 2019 का जो फैसला मरकजी सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशन लिया उसको जम्मू कश्मीर की आवाम रद्द करती है। ये हमारा काम है और कुछ नहीं। किसी भी सीटों पर हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेन फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है और हम वो वाले लोग नहीं हैं जिन्होंने अपने घर भरे और अपनी तिजोरियां भरी और एक एक असेंबली का आदमी वो 50-50, 60-60 लाख एक एक करोड़ खर्च करेगा। वो खर्च करता है और जब आपका एमएलए बनता है पहले वो अपना वो 1 करोड़ वापस करता है, उसके बाद दूसरा करोड़ जमा करने के लिए कोशिश करता है कि मैं उन 5 सालों जमा कर लूं, उसके बाद और कुछ जमा करता है कि आइंदा हो सकता है मैं असेंबली में ना हो, मुझे अपना रोजी रोटी सही से चलनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे करप्शन की बुनियाद है, वही चीज बुनियाद है, उसी चीज से यहाँ पे जो मुसीबतें हमारे ऊपर है वो ये मुसीबतें हैं। सो यहां से आपको जैसे हम यहाँ पे गांधरबल में खड़े हैं, यहाँ पे सही नुमाइंदे को चुनना है जिसका एक पास्ट है, एक माजी है, उसकी एक लेगेसी है, फैमिली लेगेसी है। और मुझे लगता है कि अपने अपने इशफाक जब्बार साहब के जैसा आपके पास कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स को जम्मू कश्मीर से हमको असेंबली में भेजना है सो दैट हमारी जान छोड़े, आर्टिकल 370 पे जो जर्ब हुआ है उस पर काम करें, उसके बाद जो गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड वो करना है उसके लिए हम काम करें और पीपल्स रूल को यहाँ पे बहाल करें, आफ्सपा को यहाँ से खत्म करें, अपने आपके जो ये हमने जो ये आपका ये सेक्रेटेरिएट को जो बंद दरबार मुंह जो बंद कर दिया है दरबार मुंह को बहाल करें, कश्मीरी पंडितों की वापसी को यहाँ पे इंश्योर करें और 35 लाख का जो हमने अभी बताया अनएम्प्लॉयड का जो रेशो है इस वक्त और 24 लाख मंशिया का मैटर है, ये बहुत बड़ा और डेली वेजर का सबसे बड़ा, हमारे जो पढ़े लिखे हैं उनका पीएचडी स्कॉलर्स का क्या रेबी तहरीम रेबी सेहत आपके फायर सर्विसेज पुलिस पीडीडी पीएचई और जीओ में आर्टिजन का सब आर्टिजन, ये बहुत मुसीबत में है हम लोग इस वक्त। सो यू हैव टू सेंड द बेस्ट मैन टू द असेंबली हु कैन टैकल दीज मैटर और जो बिकाव नहीं होगा, ये हमारा काम है। मुकाबला तो हर कोई सख्ती होता है लेकिन लोगों को फैसला करना, उनको अपना लोकल नुमाइंदा चाहिए गांधरबल को या पैराशूट से जो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं तो वो चाहिए, क्योंकि हमें 40 साल का तजुर्बा है गांधरबल को, हमने 5 CM दिए थे बदले में मिला क्या गांधरबल को। तो मेरी पुरजोर इल्तिमास होगी गांधरबल के लोगों से, आपकी चन्नू की वसादत से, जिसको भी चुनना है आप लोगों ने लेकिन लोकल को गांधरबल वासी को ही चुन लीजिए, जो भी होगा, चाहे अगर इशफाक जब्बार की शक्ल पसंद नहीं है दूसरे साहब को चुन लीजिए, लेकिन इस गुलामी से खुदारा एक नजात हमें निभाना है। और अब तो एक ही जमात पहले करती, अब दो दो जमातें हमारे साथ इस्तेसाल करने लगी, और जो हमारे पास रोड मैप है जो मैंने पिछला काम किया है 2-2.5 सालों में यहाँ, मैं उस पर वो लोगों से वोट मांगूंगा, और जो आगे का मेरा रोड मैप होगा मेरे 10 साल में 5 साल कैसे गांधरबल में 30,000 एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट करूंगा, यहाँ कैसे मैं डेवलपमेंट करूंगा, यहाँ के बच्चों के लिए मैं कैसे लड़ूंगा जो जेलों में बंद है, मैं चाहूंगा कि वो केस टू केस डिसाइड हो, वो बाहर आ जाए, जैसे मुजफ्फर शाह साहब ने कहा 42,000 लोग जेल खानों में बंद है, और जो लोग आज उनके लिए चिल्ला रहे उन्हीं की देन है। एक तजिया कार वो एक मैं पढ़ रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे 5,000 PSA लगाए गए हैं,
उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम पे 4000 PSA लगाए गए हैं कश्मीर के नौजवान, महबूबा जी के टाइम पे 2800 PSA लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के ये काले कवानीन भी देन है। अब सपा जैसे कानून को हटाना है, यहाँ एक गुड गवर्नेंस जो एक ब्रिज का काम करेगी हमारे लोग, हमें काम करना है लोगों और इनके दरमियान, ताकि ये खून खराबा बंद हो जाए, टेबल पे बात हो और यहाँ जो मामलात है लोगों के वो हल हो जाए। या बेरोजगारी बहुत है, उसके लिए हमें बात करनी है। पढ़े लिखे बहुत नौजवान हैं, उसके लिए हमें बात करनी है। जो यहाँ इस वक्त ओपन मेरिट में नौजवानों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उसको बराबरी पे लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे नौजवानों को हर किसी मौके बराबरी का मौका मिले। तो यहाँ सैंड बाजी जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, चाहे पत्थर के खानों से वो निकालते हैं, चाहे नदी नालों से निकालते हैं, कि जो SRO5 PDP BJP सरकार ने लगाया, जिससे कि हमारे नदी नालों को उन पर ऑक्शन जैसा कानून लगाया गया। हमारी कोशिश होगी कि वो कानून ख़त्म हो जाए। ट्रेडिशनली जिस तरीके से यहाँ लोग करते हैं, उसको साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, जो उसमें लूप होल्स है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे मिनरल्स है, माइनिंग्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, वो भी तबाह ना हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लाखों लोग इस वक्त बेरोजगारी में मुबतला है, उनसे भी हम रोजी रोटी छीनने, वो फायदा क्या है वो चीज़ करने से जिससे हमारे लाखों लोग बेरोजगार हो जाए। तो बहुत सारा इशूज़ है जिनके लिए काम करने। कुल मिला के आज बहुत बड़ा दिन है, तवारीख ही दिन है। तवारीख आज फिर एक दोहराई गई, जो ख्वाजा गुलाम अहमद शाह मरहूम शेख अब्दुल जब्बार का कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू कश्मीर में, और जो इनकी गवर्नेंस 18 महीनों में जो उन्होंने इनकलाब लाया है, वो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। वही मिशन हम लेके आगे चलेंगे और इंशाल्लाह उसी पे हम गामजन हैं।